हे एवरी वन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू टुडेज न्यू वीडियो। सो आज का डेट है 9th of May एंड करेंटली टाइम इज 12:14 PM। सो आज के दिन आप सभी के साथ एक टेलीग्राम पर रेंज को मॉर्निंग में शेयर किया गया कि समटाइम्स द रेंज ऑफ द मार्केट इज बीइंग शेयर्ड एंड समटाइम्स हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया के मार्किंग को शेयर करते हैं। सो मेरा पोजीशन तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के रेंज में ही होता है, बट आप या जो व्यूअर्स देखते हैं उसे एजुकेशन पर्पस के लिए रेंज ब्रेकआउट के कंफर्मेशन पर ही ऑब्जर्व करें। चलिए सो एनालिसिस को आज का हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो करेंटली निफ्टी 50 का चार्ट हमारे स्क्रीन पर ओपन है एंड आज के दिन हमने निफ्टी के में 16,300 के कॉल ऑप्शन में 3,000 क्वांटिटीज को बाय किया है ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ 303.11। सो करेंट PNL इज रनिंग इन समवॉट अराउंड प्रॉफिट ऑफ 44,000 रुपीज। सो आज का ट्रेड अराउंड 40,000 के रिस्क के अकॉर्डिंग लिया गया है। तो जो टारगेट एक्सपेक्टेशन आज के दिन हमारा रहेगा, ये 1:4 हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो करेंटली मार्केट ने 1:1 को अचीव किया है। दी फोर टाइम ऑफ दिस मीन्स 1,80,000 से बिटवीन 2 लाख के प्रॉफिट को हम आज एक्सपेक्ट करेंगे। चलिए सो एनालिसिस एंड लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे पोजीशंस को लिया गया है एंड अभी अभी मार्केट ने उस रेंज का कंफर्मेशन भी दे दिया है कि अगर यहाँ पर मैं मार्किंग को करूँ कि जैसे दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल एंड इसमें इस रेंज को शेयर किया गया, तो दिस वॉज द रेजिस्टेंस लेवल एंड दिस वॉज द सपोर्ट लेवल। तो आज मार्केट ने मॉर्निंग में अपना जो मॉर्निंग रेंज है इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है एंड रेंज को अपसाइड मार्केट ने मल्टीपल कन्फर्मेशंस के साथ ब्रेक किया है एंड मार्केट अगेन एक रेजिस्टेंस लेकर के जब मार्केट ने पुल बैक लिया तो इस पुल बैक में हमने अपने ऑर्डर्स को प्लेस किया है। सो एक पुल बैक एंट्री की मेरा एंट्री यहाँ पर मॉर्निंग में मिस हुआ इनटू द रेंज, तो हमने ट्रेंड कंटिन्यूशन के बेसिस पर एंट्री को क्रिएट किया है। सो दिस ट्रेड हैज़ नाउ बीन लिटिल ऑन अ रिस्कियर साइड क्योंकि हम पुल बैक ब्रेकआउट हमारा यहाँ पर मिस हो गया है। चलिए सो देखेंगे एनीवेज द एक्सपेक्टेशन इज कि मार्केट शुड कंटिन्यू द बाइंग मोमेंटम मोर ऑन टू द बाइंग साइड और द अपर साइड। सो लॉजिक्स को यहाँ पर देखेंगे कि सिंपल रेंज का मॉर्निंग में आज के दिन ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन है एंड एक पुल बैक पर यहाँ पर हमने अपनी एंट्रीज को क्रिएट किया है। सो एंट्रीज का अगर यहाँ से हम टाइमिंग देखेंगे सो द टाइमिंग इज समवॉट अराउंड 12:03। सो 12:03 के लिए यहाँ हम चार्ट्स को ओपन करेंगे। सो निफ्टी 16,300 एट 12:03 कॉल ऑप्शन। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि एंट्री कहाँ पर लिया गया है। सो 12:03 मतलब हमारा एंट्री समवॉट अराउंड इस कैंडल में हुआ है कि मार्केट ने पुल बैक दिया, मार्केट बायर वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू सस्टेन द मार्केट एंड यहाँ सपोर्ट क्रिएशन हम देख सकते हैं कि विक्स यहाँ से डाउन साइड का बनना स्टार्ट हो गया, तो इसी कन्फर्मेशंस पर एक पुल बैक पर एंट्री यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। चलिए सो टारगेट एक्सपेक्टेशन जैसे मैंने बताया वी विल बी एक्सपेक्टिंग 1:4 एंड जो आज के दिन SL होगा दैट मैक्सिमम रिस्क वी विल बी होल्डिंग इट फॉर विल बी अराउंड 40,000 रुपीज। सो 40,000 डिवाइडेड बाय 3,000 गोज टू 13 पॉइंट्स, मतलब 13 से 40 पॉइंट्स का ही सिर्फ हम SL यहाँ पर मैक्सिमम होल्ड करेंगे। सो एंट्री लाइन को यहाँ पर मैं एक ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करूँगा। सो 300.03, सो दिस इज आवर एंट्री प्राइस एंड इसको ब्लू कलर से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे एंड SL जैसे कि मैंने कहा अराउंड मैक्सिमम वी विल बी होल्डिंग इट फॉर 40,000, इट मींस 13 पॉइंट्स। तो SL लाइन को भी यहाँ पर मैं प्लॉट करूँगा कि अगर आज के दिन ये कॉल ऑप्शन अगर इस SL पॉइंट्स तक आ जाता है तो इट मींस वी विल एग्जिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड इनटू द टुडेज मार्केट। तो करेंटली देखेंगे तो ट्रेड हमारे जैसे अगेंस्ट में जा रहा है, मार्केट इज फेसिंग द रेजिस्टेंस एंड बाइंग साइड का कंटिन्यूशन यहाँ पर फेल करेंटली होता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ पर ये क्लोजिंग सस्टेंड दे देता है ऑन टू द डाउन साइड तो मार्केट कैन अगेन प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स सपोर्ट एरिया। तो जो नेक्स्ट मार्केट का सपोर्ट लेवल है ये ब्रेकआउट या आज के रेंज का अपर लेवल है।
सो ये डिपेंड करेगा, जैसे हम देख सकते हैं कि सेलर्स ने पुश किया बट अगेन द कैंडल इज रिवर्सिंग ऑन टू द बाइंग साइड। तो ये जो बाइंग साइड का रेजिस्टेंस नियरेस्ट मार्केट ने फेस किया उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे करके कन्फर्मेशन दिया है तो कि ट्रेंड यहाँ से और भी ज़्यादा कंटिन्यू होना चाहिए। बट इफ द सेलर पुश द मार्केट अगेन डाउन एंड नीचे कहीं क्लोजिंग आता है तो इट विल बी अ नेगेटिव साइन फॉर अस फॉर अ बाइंग साइड ऑफ द पोजिशन। कि अगर हम बाइंग साइड बैठे हुए हैं, बाइंग साइड का पोजिशन है एंड मार्केट अगर जो लेवल को ब्रेक करके कन्फर्मेशन आया है, कंटिन्यूशन का कन्फर्मेशन आया है, ये अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, नीचे क्लोजिंग आता है, तो वो एक प्राइस एक्शन के लॉजिक से एक नेगेटिव साइन होगा फॉर आवर बाइंग पोजिशन। चलिए सो वेट करेंगे एंड देखेंगे। करेंटली हमारा प्रॉफिट्स है अराउंड 27,000 रुपीज़ एंड अगर चार्ट्स पर मैं 1:4 को भी यहाँ पर मार्क करूँ तो फ्रॉम द एंट्री पॉइंट दिस इज आवर SL एंड 1:4 का एक्सपेक्टेशन, तो समवॉट अराउंड ये पॉइंट्स का हमारा टारगेट्स जाएगा। मतलब ऑप्शन चार्ट में नियर टू द प्रीवियस डेज लो, तो हमारा स्पॉट चार्ट भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ तक अगर स्पॉट चार्ट आ जाता है तो ऑप्शन विल बी टचिंग आवर टारगेट एरियाज। सो कुछ इन लेवल्स का टारगेट आज के दिन हम एक्सपेक्ट करेंगे। चलिए सो करेंटली वी कैन सी कि परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। अगर लाइव मार्केट का व्यू देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि सेलर अभी रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया है एंड मार्केट सेलर इज ट्राइंग टू पुश द मार्केट डाउन। कि फर्स्ट कैंडल में भी यहाँ देखेंगे सेलर ने कोशिश किया टू पुश द मार्केट डाउन बट अल्टीमेटली वो रिवर्स हुआ। अब अगेन सेलर्स आर पुशिंग द मार्केट डाउन एंड अगर सेलर एज आई मैंशन अगर सेलर यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है टू गिव अ सस्टेन्ड क्लोजिंग बिलो दिस सपोर्ट लेवल तो दैट विल बी अ नेगेटिव साइन फॉर टूडेज पोजिशन। एंड अगर बायर सस्टेन कर जाता है, बायर अगेन गिव्स अ क्लोजिंग कि अभी तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, अगर अगेन बायर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो नाउ दिस ट्रेंड विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। चलिए सो वेट करेंगे 5 to 10 minutes वेट करेंगे, मार्केट जो भी क्रिएशन करता है आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल। ओके ट्रेडर, सो करेंटली टाइम इज 12:35 PM एंड एज एक्सपेक्टेड कि अगर बायर्स यहाँ से सस्टेन्ड क्लोजिंग देता है तो मार्केट का ये बाइंग साइड का एक और कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो सेलर्स वर अनेबल टू पुश द मार्केट डाउन एंड इसके नीचे सस्टेन्ड क्लोजिंग सेलिंग नहीं दे पाया है। सो अगेन मार्केट हैज़ कंटिन्यूड ऑन टू द बाइंग साइड एंड हमारा प्रॉफिट भी बढ़ कर के यहाँ समवॉट अराउंड 85,000 हो गया है, 90,000 करेंटली। सो जो एक्सपेक्टेशन है कि हम 1:4 के अकॉर्डिंग कि 40,000 का अगर रिस्क है तो द 1:4 टारगेट विल बी 1,60,000। सो एक सर्टेन हमारा रिस्क मैनेजमेंट का रूल है कि हम अपने पोजीशन या SL को तभी ट्रेल करेंगे जब मार्केट 1:3 के टारगेट्स को अचीव करेगा। तो अगर आज के दिन प्राइस यहाँ प्रॉफिट 1,20,000 अगर टच हो जाता है तो हम अपने SL को यहाँ पर ट्रेल कर देंगे, अदरवाइज द SL विल बी ऑन टू द सेम पॉइंट। चलिए सो वेट करेंगे, मार्केट जैसा भी करता है आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल। ओके ट्रेडर, सो करेंटली टाइम इज 12:42 एंड मार्केट हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट रेशियोज को अचीव कर दिया है। सो हियर वी विल बी प्लेसिंग एन एग्जिट ऑर्डर। सो एग्जिट करेंगे 1500 क्वांटिटी फर्स्ट प्लेस करेंगे एंड देन 1500 मोर को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। ओके सो और यहाँ पर एग्जिट करेंगे, प्राइस करेंटली इज पुशिंग ऑन टू द लोअर साइड। ओके सो चलिए प्राइस को एग्जिट करेंगे ऑन टू द मार्केट प्राइस। चलिए 1500 एग्जिट नहीं हुआ है, प्लेस करेंगे। ओके सो देयर सम ग्लिच इन टू द पोर्टल आई थिंक। हाँ एग्जिट हमारा हो गया है। सो समटाइम इट हैपन्स कि जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये एग्जिट नहीं बता रहा है बट पोजिशंस में देखेंगे तो पोजिशन हमारा एग्जिट हो गया है। सो ऑर्डर्स बुक भी देखेंगे सो हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। सो इस पोर्टल में कुछ ग्लिच होगा तो इसे हम रिफ्रेश करके देखेंगे। सो हाँ करेक्ट है ना, इट हैज़ बीन बुक डाउन। चलिए सो दिस वॉज द ट्रेड फॉर टुडे। सो आज के दिन हमने जो टारगेट एक्सपेक्टेशन अचीव किया कि 1:4 के अराउंड हमने टारगेट्स को आज के दिन बुक किया। सो आज का ट्रेड भी जैसे एक बड़े रिस्क के साथ था कि अराउंड 40,000 रुपीज़ को हमने रिस्क किया इन दिस पर्टिकुलर सिंगल ट्रेड।
सो उसके अकॉर्डिंग 1:4 के टारगेट्स को आज के दिन हमने बुक किया कि दो द एंट्री वॉज लेट टुडे इन टू द मार्केट कि रेंज के अंदर यहाँ ही ब्रेकआउट्स पर हो जाना चाहिए था, कन्फर्मेशन भी आ गया था, बट वी हैव टेकन अ पुल बैक एंट्री इन टू द टुडेज मार्केट. सो दिस वॉज द ट्रेड फॉर टुडे. इसे रेगुलर टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया गया, तो टेलीग्राम चैनल पर ही इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्किंग दे दिया गया था. एंड मेरा पोजीशन जैसे कि एज आई साइड की रेंज के अंदर हो जाता है, बट जो भी लोग इसे लर्निंग पर्पस के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्लोजिंग के बेसिस पर किया करें कि इसके ऊपर क्लोजिंग आया देन दिस इज़ द कन्फर्मेशन कि इट्स गोइंग ऑन टू द बाइंग साइड. सो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेक श्योर करिए आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एंड रेगुलर यूट्यूब वीडियोज अपडेट के लिए भी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या.